कॉन्टिन्यूटी फटाफट पिछली बार से आगे चलिएगा। हाँ जी साहब, पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे को अपना ग्राफ बनाते समय अगर मैंने पेन अप किया तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर भाई देवे रेगुलरली मैं पेन से ग्राफ बनाता चला गया तो दैट इज कंटिन्यूअस। याद आ गया? मैंने आपको ये बताया था लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इस तरह सोचते हैं, याद आया या नहीं याद आया? आम आदमियों की जुबान में हम लोग पेन अप पेन डाउन से सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इसके बाद में दूसरा मैंने शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बता के चला गया था कि एक फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, ठीक है ना, तो वो कहलाता है कंटिन्यूटी, है ना, एट ए पॉइंट X = A पर। अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं कहूंगा X = A पर अगर मेरा FA+ FA- FA आ गया तो मैं कहूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसे दुनिया वाले LHL = RHL = value of फंक्शन कहते हैं, याद आया आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, किसी को याद है LHL = RHL होते ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम लोग कहेंगे Limit extends to A, FX दुनिया में एग्जिस्ट कर गया, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर माने It is equivalent to F of A, याद आया? Love = fever, ठीक है ना, है ना, लव माने लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन या फंक्शनल वैल्यू। एनीवे, यहां तक की बात जितनी भी मैंने करी, अब इस बात में एक बहुत ही पिन पॉइंटेड बात मेरे को अब करनी बाकी है, जिसे आप वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं ना, ये तीनों ना केवल बराबर होने चाहिए बल्कि फाइनाइट भी होने चाहिए। कैसे? कल को मान लो आपने किसी लिमिट का आंसर इन्फाइनाइट निकाला और फंक्शन की वैल्यू भी इन्फाइनाइट आ गई और आप बराबर ले आएंगे, देखो सर दोनों इन्फाइनाइट आ गए ना, अभी बराबर है, ले लो सर इन्हें, है कि नहीं? नहीं, दोनों फाइनाइटली बराबर होने चाहिए। माने इसका आंसर अगर दो आ रहा है, इसका दो आ रहा है, इसका दो आ रहा है, चलेगा, लेकिन अगर इसका इन्फाइनाइट, इसका इन्फाइनाइट, इसका इन्फाइनाइट आ रहा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड एड दैट इज दैट दे ऑल शुड बी फाइनाइट। ये बिल्कुल पिछली बार की बात खत्म, राइट है। अब कंटिन्यूटी के अंदर मेरा पॉइंट नंबर 3 आता हूं। यहां तक मैंने पिछली बार मैंने पहले पॉइंट पे बात कर ली थी, दूसरे पॉइंट पे बात कर ली थी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन X belongs to A, B, ठीक है, अगर एक फंक्शन अपने आप में X = A, B में कंटिन्यूस है, ये चेक करना पड़ जाए, आ जाओ जरा इस पर भी चर्चा हो जाए फटाफट वाली। अगर एक फंक्शन X belongs to A, B में कंटिन्यूस है तो जरा सोचने की बात क्या है, कितने लोग ये जानते हैं कि इसमें एक्चुअली में ये कहां से कहां तक में बात हो रही है? A से B तक में बात हो रही है। इसकी लेफ्ट बाउंड्री कौन सी है? राइट बाउंड्री कौन सी है? B। इसका मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट्स हुए A एंड B। तो कहने का मतलब ये कि हेयर देन वी हैव टू बाउंड्रीज, फटाफट लिखते चला, वी हैव टू बाउंड्रीज। कौन कौन सी दो बाउंड्रीज? फर्स्ट वन इज लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज राइट बाउंड्री। सही है भाई? लेफ्ट बाउंड्री की अगर बात करी जाए तो लेफ्ट बाउंड्री इज X = A एंड राइट बाउंड्री इज X = B। सबसे पहली और सबसे काम की बात यहां उठ चुकी है, हमारे पास दो बाउंड्रीज हैं। अगर दो बाउंड्रीज हैं तो आप में से कितने लोगों को यह आइडिया है कि जैसे मैंने मान लीजिए एक फंक्शन के बारे में बात करी जो अपने आप में A से B तक में है, ये वाली जगह इज X = A एंड दिस पॉइंट इज X = B। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो कि अगर मैं बीच के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करता तो कितनी जगह चेक करता? 3 जगह, उस पॉइंट से आगे, उस पॉइंट से पीछे और उस पॉइंट पर। माने मैं चेक करता X = जैसे सपोज करो ये M होता तो मैं कितनी जगह चेक करता? M+ पर, M- पर और M पर।
अगर तीनों वैल्यू बराबर आती तो मैं कहता ए पर माने सॉरी एम पर फंक्शन कैसे है कंटिन्यूस है। फंक्शन एम पर कंटिन्यूस कब होगा जब एफ एम माइनस एफ एम और एफ एम प्लस तीनों की वैल्यू बराबर आएगी और फाइनाइट होगी, याद है। लेकिन अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास में ए के पीछे जाने की कोई जगह नहीं है लेकिन आगे जाने की जगह है, तो बताओ मैं कितनी जगह चेक करूंगा ए पर, तो मैं करूंगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। बताओ कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे, एफ ए प्लस और एफ ए, सिर्फ दो ही जगह चेक करूंगा ए और ए के आगे। अब जल्दी से पूछता हूं एट एक्स इज इक्वल टू बी पे कहां कहां चेक करूंगा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी माइनस। तो बस इतनी सी बात आपके साथ और शेयर करनी थी, एफ बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस, ठीक है ना। हम सिर्फ दो ही जगह चेक करेंगे और बीच के सभी पॉइंट पे है ना, एंड फॉर ए कॉमा बी, याद है ओपन ए से बी के बीच में, वी विल चेक एट थ्री पॉइंट्स, एफ एम इज इक्वल टू एफ एम प्लस इज इक्वल टू एफ एम माइनस, सही है। तीसरा पॉइंट फटाफट आ जाओ, बाउंड्री पॉइंट भी हो गया। हाँ भाई, मैं आपके सामने तीन ग्राफ बना रहा हूं फटाफट से, ठीक है। पहला ग्राफ है ऐसे और दूसरा ग्राफ है सिर्फ ऐसे और तीसरा ग्राफ है सिर्फ ऐसे, राइट है। अब आप मेरे को समझाना कि ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए, अगेन दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए, इसका उधर का हिस्सा गायब है, इस ये वाला पॉइंट इज अगेन एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ भाई मुझे बताइएगा, ग्राफ ही ऐसे हैं, मैंने चेंज नहीं किया, ग्राफ ही ऐसे, पहला दूसरा तीसरा, ये ए पर जो हाइट है ठीक है ना, जिसे आप एफ ऑफ ए कहते हैं दैट इज एल, अगेन दिस हाइट इज एल, अगेन दिस हाइट इज एल, राइट है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कितनी जगह होगी, कौन कौन सी जगह, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, इधर वाले में एफ के ए के लिए बोलो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस, और इधर वाले में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं, ठीक है ना, डोमेन में ए के आगे की जगह नहीं है, उसमें ए के पीछे की जगह नहीं है। क्या मुझे कहने की जरूरत है कि कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में चेक करते हैं अलग से, ये अपने आप समझ में आ गई, आगे बात है ना। तो पूरे कहानी में अपन रिमार्क लिख लेते हैं, वी चेक कंटिन्यूटी इन डोमेन ओनली, मजा आया, डोमेन ओनली, ठीक है। हाँ भाई बस मुश्किल से एक मिनट, एक मिनट और, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हाँ भाई तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है। बिफोर एंटरिंग इन टू एनी अदर थिंग, पहली चीज समझना, मुझे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पर चेक करनी है, जीरो पर, इसका मतलब मुझे कितनी चीजें चेक करनी है, जीरो जीरो प्लस और जीरो माइनस। तो एक का मतलब पहले तो मैं एलएचएल चेक कर लूं और दूसरा फिर मैं आरएचएल चेक कर लूं, और अगर बाय द वे ये दोनों बराबर आ गए तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, वरना मैं यही मना कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करूंगा। एलएचएल का मतलब हुआ एक्स की जगह कितना, जीरो माइनस एच, और इधर आरएचएल का मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। जल्दी सोच के जवाब देना, एक्स की जगह जीरो माइनस एच। अच्छा फंक्शन कौन सा लूंगा,
ऊपर वाला श्योर है क्यों? क्योंकि जीरो से जरा सा बड़ा या जीरो से जरा सा छोटा? जीरो नहीं हो तो इसे पकड़े, जीरो नहीं है क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। तो मैंने अपने आप में इस फंक्शन को पकड़ा, अगर मैं इसे पकड़ता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो माइनस एच। आपसे ही पूछना बनता है कि लिमिट जीरो में अभी अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। कितने लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो माइनस एच मैं जीरो से छोटा कम होते माइनस वन, तो ये हो गया माइनस एच अपॉन माइनस वन, बोले तो एच, और एच की जगह कितना चिपका दूं जीरो, तो आंसर इज जीरो। एलएचएल वैल्यू इक्वल टू जीरो। आरएचएल बता दूं, आरएचएल राइट है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, लेकिन जीरो से जरा सा बड़ा पे भी एक मिनट आपके ध्यान के लिए, मैं फंक्शन ये कॉपी करूंगा है कि नहीं, तो मैं फंक्शन जब कॉपी करूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो मैं आपके सामने लिखूंगा एक्स इंटू वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसा लिख दूं। आप में से किसी को अगर पता हो तो इसका डोमेन कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन कहते हैं ना, याद है नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से वन नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन नहीं होनी चाहिए माने इसके डोमेन में जीरो से वन तक का हिस्सा ही नहीं है, जीरो या जीरो के आगे का हिस्सा ही नहीं है। अगर जीरो या जीरो के आगे का हिस्सा नहीं है तो जीरो प्लस एच काम ही नहीं करेगा, नहीं आया आपको समझ में? इसका मतलब आरएचएल में एंटरटेन ही नहीं कर सकता, आरएचएल काम ही नहीं करेगा भाई। yes, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आरएचएल कैन नॉट बी एंटरटेन, है ना, इसका मतलब मेरे को एलएचएल से काम चलाना पड़ेगा। अब मेरे को तीसरी चीज क्या निकालनी चाहिए? एफ ऑफ जीरो, राइट है, तो आई एम गोइंग ओवर देयर, मैं इसमें ले रहा हूं है ना एफ ऑफ जीरो। अब आप मेरे को बताओ एफ ऑफ जीरो कैसे पता? अच्छा दिया है फंक्शन के जीरो पे वैल्यू जीरो, अरे ये जीरो दे रखी है और एलएचएल वैल्यू इज जीरो, तो इज इक्वल टू कितना एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो कहना है मतलब क्या बोलूंगा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अदरवाइज मैं बताऊं, अगर बाय द वे मैं इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाता कि डोमेन में है या नहीं है, तो मैं क्या कर बैठता वो बता देता हूं। मैं यहां पे लिख देता एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस एच और मेरा आंसर हो जाता इन्फिनिट। अरे नीचे वाला जीरो हो जाता ना, एच अपॉन जीरो इज इन्फिनिट। अगर ये इन्फिनिट हो जाता तो आपको पता है क्या हो जाता? मैं लिख देता एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल में रो देता मैं, सही है ना। इसीलिए डोमेन वैल्यूज को मैंने पहले सिखा दिया कि डोमेन का क्या रोल है ना।